हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 22 फरवरी 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीएबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ कुछ एमसीक्यूज हैं वो देखेंगे। तो चलिए हमारा डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज न्यूज़ आई है वो आई है सरस के बारे में। तो नाल सरस है क्या, ये देखते हैं। सरस देखो एक पक्षी होता है, उसी के नाम पर इसका रखा गया। तो यह मेनली एक पहला मतलब इंडिया का स्वदेशी मल्टीपर्पज सिविलियन एयरक्राफ्ट है। अब है क्या मतलब, ये छोटा एयरक्राफ्ट बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका मेन प्रावधान ये है कि भाई इसमें कुछ लोग ट्रेवल भी कर सकें और इसे दूसरी जगह मतलब सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के रूप में भी यूज़ कर सकें। मतलब मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए से बनाया गया है, और बनाया किसके द्वारा गया वो ध्यान रखना है, वो बनाया गया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। तो यह भी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक तो यह पहला स्वदेशी है और इसका एक सेकेंड जो जनरेशन का नया था, नया मॉडल बनाया गया था, उसका भी परीक्षण है वो किया गया है। तो उसी के नाम पर न्यूज़ आई है। तो जो नया परीक्षण किया गया है उसका उसका नाम है सारस PT-1N। तो यूपीएससी एक तो ये पूछ सकती है कि नाल सरस क्या है या सरस नाम क्या है क्या। तो सरस नाम आते ही हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें समझ जाना है कि भाई यह तो एक मल्टीपर्पज सिविलियन एयरक्राफ्ट है जो कि स्वदेशी बनाया गया है। डिजाइन किसके द्वारा किया गया, डिजाइन किया गया है CSIR के द्वारा, और बनाया गया है वो बनाया गया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। तो यह कुछ बेसिक न्यूज़ थी जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन से वो पूछ सकती है। तो यह चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो एक छोटी सी न्यूज़ है वो आई है नीति आयोग नीति फॉर्म के बारे में। तो नीति फॉर्म है वो डेवलप बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। है क्या इसमें, ये देख लेते हैं। देखो मैंने नीति फॉर्म है, अब इशू क्या आ रहा है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ना उसमें क्या कि डेवलपमेंट का काफ़ी बड़ा इशू है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसी के साथ टेरेन भी काफ़ी डिफिकल्ट है। तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो भी विकास कार्य चलाए जाते हैं ना उनमें काफ़ी बाधा आती है। तो ये एक नया फॉर्म बनाया गया है नीति फॉर्म नाम से। इस फॉर्म का काम ये होगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उसमें डेवलपमेंट में जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी अड़चन आती है, उनको यह पहचान आइडेंटिफाई करेगा। इसके साथ ही बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करेगा कि किस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट है वो आ सकता है। मतलब मैन घुमा फिरा के काम ही ये कि भाई नॉर्थ ईस्ट के एरिया का डेवलपमेंट करना। देखो जो अभी हमारी रिसेंट गवर्नमेंट है वो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, और नॉर्थ ईस्ट वो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पर रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज की भी काफी ज्यादा बहुतायत है। तो इसलिए गवर्नमेंट यह चाह रही है कि नॉर्थ ईस्ट के जो भी रिसोर्सेज उनको प्रॉपर ढंग से यूज किया जाए, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो या फिर चाहे और ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो या फिर और भी, जैसे डेवलपमेंट काफी अहम हो जाता है क्योंकि वहां पे चाइना का भी प्रेजेंस है, वो लगातार हमें पड़ोसी उसमें बढ़ रही है। तो इसीलिए इंडिया उस क्षेत्र पर ज्यादा फोकस है वो भी करा है। तो इसीलिए नीति फॉर्म है यह बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट के लिए। अब इसके जो को चेयरमैन को नहीं वो देख लेते हैं। इसके को चेयरमैन होंगे वो होंगे वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन होंगे वो इसके को चेयरमैन होंगे। इसी के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं वो भी वहां पे चेयरमैन होंगे। तो ये एक बेसिक न्यूज है, तो हमें इसमें ध्यान रखना है। इसका जो सेक्रेटरेट होगा नीति फॉर्म का वो होगा डोनर मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मतलब डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो मिनिस्ट्री है उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसका सेक्रेटरेट है तो वो होगा। तो देखो मेनली बेसिक हमें यही ध्यान रखना है कि नीति फॉर्म क्यों है। नीति फॉर्म ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई करके वहां पर डेवलपमेंट की तरफ रास्ता है वो सुनिश्चित करने के लिए आया। अब चलते हैं हम आगे। अगली एक छोटी सी न्यूज़ है इसी के साथ, वो है नॉर्थ ईस्ट के बारे में ही। वो है ये कि नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसमें पहला रीजनल सेंटर एग्रीकल्चर का है वो बनाया गया है इज़राइल की हेल्प से। तो इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि इज़राइल की हेल्प से नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहला रीजनल सेंटर है वो कहाँ बनाया गया है, तो वो बनाया गया है मिजोरम में। अब किस किसके द्वारा बनाया गया है, यह बनाया गया है सबसे पहले बात तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इसके साथ ही इज़राइल गवर्नमेंट और इसी के साथ ही गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम। तो इन तीनों के मिला तीनों के द्वारा मिला के इसे बनाया गया है। तो हमें यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्योंकि देखो अब नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम जो स्कीम वगैरह जो भी चलती हैं वो नॉर्थ ईस्ट की जो डोनियर मिनिस्ट्री है नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलपमेंट उसके द्वारा ही चली जाती हैं। बट यहाँ में ध्यान रखना कि भाई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, वैसे नाम से भी पता भी चल जाएगा, बट कई बार क्या कन्फ्यूज होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक जो क्वेश्चन अगला बनता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बट फिर भी बन सकता है, कि क्या मतलब इज़राइल की हेल्प से पहला इंडिया में रीजनल सेंटर एग्रीकल्चर के लिए बनाया जा रहा है, तो जी बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा है। इससे पहले हरियाणा, गुजरात, एमपी, राजस्थान और पंजाब में भी ऑलरेडी ऐसे 22 सेंटर और बनाए जा सके हैं। इनका मेन काम ही होगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जो भी फ्रूट्स वगैरह है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी फूड प्रोसेसिंग पे फोकस किया जाए, जिससे फायदा होगा कि नए फूड प्रोसेसिंग सेंटर बनेंगे तो जो फूड की क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी, इसी के साथ फूड का प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन वो होता रहेगा। तो मेनली फूड प्रोसेसिंग को फोकस करते हुए, क्योंकि देखो इज़राइल की टेक्नोलॉजी वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट है उनकी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहती है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में। तो क्या है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ये देखते हैं, और क्यों भी है न्यूज़ में। तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वो भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा
स्टार्ट की गई है। अभी देखो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके एक यूपी इन्वेस्टर समिट है वो स्टार्ट हुआ था, तो उसी के तहत इसकी घोषणा वो की गई थी। अब देखो यूपी जो इन्वेस्टर समिट था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि भाई उत्तर प्रदेश में जैसे भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो सुनिश्चित की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। तो उसी के तहत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आई, इसमें यह प्रावधान किया गया कि भाई घुमा फिरा के हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको आगे लेके जाना है। मतलब हम किसी मामले जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो यूपी के एरिया में हो। तो इसमें मेनली जब यूपीएससी एग्जाम में पूछते हैं कि किससे रिलेटेड है तो ऐसे में ऐसे नहीं देखना है कि भाई कोई स्टूडेंट या कोई ऐसी स्कीम वगैरह क्या है, तो ये इसमें ज़्यादा फोकस डायरेक्टली ये रखना है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, किसके द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। तो ये कुछ बेसिक सी छोटी सी न्यूज़ है जो आपको यहाँ पे एड मार्क करनी है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो मेनली आई है इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस के बारे में। तो देखते हैं क्या है इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस के बारे में। देखो मेनली ये यूजीसी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। अब है क्या इस स्कीम है, क्या यह है प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का मेन मोटो ये है कि जो हमारी यूजीसी ग्रांट कमीशन है ना उसके द्वारा से स्टार्ट किया गया था मेनली, ये तो एक में ध्यान रखना है। इसका मेन मोटो ये रखा गया है कि भाई जो भी हमारे देश के टॉप 20 हायर एजुकेशन है ना जिसमें 10 प्राइवेट होंगे और 10 गवर्नमेंट, उन 10 प्राइवेट और 10 गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक्चुअली ग्लोबल लेवल पर उनकी रैंकिंग है वो सुधारना। क्योंकि अभी देखो हाल ही है कि टॉप जो 100 इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड के उनके अंदर इंडिया की किसी भी रैंकिंग वो नहीं आती है, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि उन्हें भाई हमारे इंडिया के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको थोड़ा उनके ऑटोनॉमी दी जाए और उनको थोड़ा ज़्यादा आगे डेवलप किया जाए ताकि वो टॉप 100 के अंदर आ जाए। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि भाई अगले 10 साल में टॉप 100 के अंदर हमारी भी यूनिवर्सिटी है वो आनी चाहिए और उसके लिए मेन फोकस ये किया जाएगा कि 10 प्राइवेट और 10 गवर्नमेंट स्कूल को क्या है थोड़ी ऑटोनॉमी वगैरह दी जाएगी, उनको अकेडमिक कोलोबरेशन कराने के लिए हेल्प की जाएगी ताकि वो फॉरेन से आराम से कोलोब्रेशन कर सकें और फॉरेन के टीचर्स वगैरह बुला सकें और वहाँ पे अपनी खुद की नई पॉलिसीज वगैरह बना सकें। तो ये सारे काम इसमें किए जाएंगे। बस इसमें ये ध्यान रखना कि यूजीसी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, हमें यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना कि भाई एचआरडी मिनिस्टर कोई है, नाम से भी एक्चुअली इसमें पता नहीं चल रहा है, तो इस चीज़ में हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मोटो क्या है, मोटो इसका यही है कि भाई इंडिया की जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनको एटलीस्ट टॉप 100 के अंदर लाया जाए 10 साल के अंदर अंदर, तो ये अभी इसका प्रावधान है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वह ये नेशनल राज सोलर टेलीस्कोप के बारे में, NLST के बारे में। तो क्या है NLST, यह मेनली मल्टीपर्पज ओपन टेलीस्कोप है। मतलब मल्टीपर्पज ओपन टेलीस्कोप का मतलब यह आप ही होगा कि इसके काफ़ी सारे यूज़ है वो किए जाएंगे और उसका मेन मोटो है वो रहेगा कि भाई सन की स्टडी है वो करनी है। अब सन की स्टडी में से सन की जो आउटर लेयर कोरोना है उसकी स्टडी मान लो, या फिर सर के सन के अंदर जो कई बार काफ़ी लू वगैरह के जो गुब्बारे उठते हैं उनकी स्टडी मान लो, तो मेन काम इससे फोकस है वो ये रहेगा। और उसे कहाँ स्टेबलाइज किया जा रहा है, इसे स्टेबलाइज किया जाएगा लद्दाख में। अभी क्या बनाई नहीं गई है, अभी केवल प्रपोज फॉर्म में है, तो यह ध्यान रखना है। लद्दाख की एक गांव है जिसका नाम है मेराक, तो मेराक गांव में इसे बनाया जाएगा। तो हमें मैंने इतना ही ध्यान रखना कि लद्दाख के अंतर्गत है और मल्टीपर्पज ओपन टेलीस्कोप है जो मैंने सन की स्टडी पे फोकस करेगा। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी होगी, इसकी नोडल एजेंसी होगी वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसरो साहब नहीं है, यूपीएससी से पूछ लेगी कि क्या इसकी नोडल एजेंसी है वो इसरो है, तो हमें देखेंगे यार साइंस से रिलेटेड है इसरो ही होगी, नहीं ऐसा नहीं है, ये इसरो इसमें हेल्प करेगा, बस इसकी नोडल एजेंसी है वो यही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये हमें ध्यान रखना है। मल्टीपर्पज जैसे हमने देखा कि मल्टीपर्पज इसका अप्लीकेशन होगा, ये हमने आप बेसिक किया। इसी के साथ एक दो लोगों के पॉइंट और देख लेते हैं सन की स्टडी के लिए इंडिया के और जो मिशन चलाए गए। एक सन के लिए इंडिया के मिशन चलाया जाएगा जो भी पेंडिंग है अभी, मतलब 2019-20 का उसका प्रस्ताव रखा गया है, वो है आदित्य मिशन। आदित्य मिशन है वो भी सन की स्टडी के लिए ही बनाया, मतलब लॉन्च किया जाएगा, तो यह भी पेंडिंग में, तो हमें ध्यान रखना है आदित्य मिशन है वो भी सन से रिलेटेड है। इसी के साथ एक टेलीस्कोप और है जिसका नाम है मस्त, तो मस्त टेलीस्कोप है वो एक्चुअली उदयपुर राजस्थान में लगाया गया है और यह भी एक्टिव फॉर्म में है। मस्त का फुल फॉर्म वो है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, तो यह उदयपुर में और यह भी एक्टिव फॉर्म में काम कर रहा है और आपस में मल्टीपर्पज का है। ओपन टेलीस्कोप का मतलब है कि तीनों आपस में, जो भी आदित्य मिशन है, मस्त टेलीस्कोप है और ये सारे मिलकर आपस में काम करेंगे। तो यह कुछ बेसिक न्यूज थी, तो हमें ध्यान रखना कि NLST है क्या। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो ये ग्लोबल एंटी माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस सर्वेलियंस सिस्टम ग्लास के बारे में। तो क्या है ग्लास वो देखते हैं। सबसे अहम पॉइंट इसका आता है ना इस न्यूज़ का, वो यही आता है कि जो ग्लास सिस्टम है जो डेवलप किया गया है WHO के द्वारा, और इस ग्लास का मेन मोटो यही है कि भाई जो भी
एंटी माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस है, उनकी सर्विलेंस है वो सिक्योर की जाए, मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो बन जाते हैं उनकी जांच करना, इनको निगरानी करने के लिए ही ये बनाए गए हैं। अब एंटी माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे हम कोई बार कोई मेडिसिन लेते हैं, जैसे कोल्ड हो गया हमें और कोल्ड के लिए हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, और कुछ टाइम बाद क्या है, वो मेडिसिन काम करना बंद कर देती है, मतलब उस मेडिसिन के खिलाफ हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस है वो बन गए हैं, इसलिए वो मेडिसिन हमारे बॉडी पर काम नहीं कर रही। तो इस प्रॉब्लम्स को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इसकी निगरानी करने के लिए ये ग्लास सिस्टम है वो बनाया गया है WHO के द्वारा। तो यह हमें ध्यान रखना कि WHO ने ये सिस्टम है ग्लास बनाया ताकि इसकी निगरानी की जा सके। और इसका डाटा सामने किया है कि भाई जो हाई मतलब डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, और उसके साथ ही जो लो इनकम की जो कंपनीज हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पे देखी है। आगे देख लेते हैं हम आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपको आंसर एक्चुअली देखो यहीं पे है, तो मैं आपको पहले क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, फिर अगर आपको आ रहे हो तो आप वीडियो पॉज करके आंसर से वो बता सकते हो। पहला क्वेश्चन है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में, KVIC के बारे में। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया कि यह एक स्टेचुरी बॉडी है, तो आपको बताना है कि स्टेचुरी बॉडी है या नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसका यह है कि ये एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत ये आता है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि यह नोडल एजेंट जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है वो नोडल एजेंसी है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की। और एक नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये दिया गया है कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है वो नोडल एजेंसी है स्फूर्ति स्कीम का। तो आपको बताना कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है सही है। तो जी हाँ, ये चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है KVIC, वो एक स्टेचुरी बॉडी भी है और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अगला, वो यही है कि ये नोडल एजेंसी है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की, क्योंकि देखो खादी के अंदर काफ़ी सारे लोगों को रोजगार मिलता है, तो इसलिए ये किसी नोडल एजेंसी बनाई गई है। इसी के साथ ही गवर्नमेंट एक स्फूर्ति स्कीम लेके आई थी, उस स्कीम की भी है नोडल एजेंसी है। तो कल के लेक्चर में हम देख लेंगे स्फूर्ति स्कीम को भी। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो मेनली आया है इंडिया और म्यांमार के बारे में। तो इसमें देखो क्वेश्चंस तो क्या है, मैं आपको पॉइंट्स वो बता देता हूँ। इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे एक रिवर है वो बहती है, उसका नाम है ट्विंगम रिवर। ये ध्यान रखना कि ट्विंगम रिवर है वो इंडिया टू म्यांमार की तरफ बहती है, यहाँ में कंफ्यूज नहीं होना, यूपीएससी स्टेटमेंट में इधर उधर घुमा के पूछ सकती है। बस एक तो ये ध्यान रखना कि ट्विंगम रिवर है वो न्यूज़ में है, तो ट्विंगम रिवर बहती है इंडिया टू म्यांमार की तरफ, यह हमें ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो ट्विंगम रिवर इंडिया से म्यांमार की तरफ बहती है ना, तो इसी रिवर पे एक डैम बनाया जा रहा है म्यांमार की तरफ से, जिसका नाम है ट्विडिमिजेंग डैम। तो यह मैं ध्यान, नाम काफ़ी उठपटांग होते हैं वहाँ के, तो मैं नाम देखो एक बार अगर आप इस तरीके से नाम देख लोगे ना, तो एग्जाम में ऑप्शंस में आपको इजीली इनको आइडेंटिफाई ये वो कर सकते हो, काफ़ी डिफिकल्ट से नाम होते हैं। तो ध्यान रखना है कि ट्विडिमिजेंग जो डैम है वो एक्चुअली जो मैंने अभी हमने रिवर डिस्कस की थी उस रिवर पर बनाया जा रहा है। तो यह ध्यान रखना है। इसमें इशू ये है कि जो इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है, जिसे जीरो लाइन बोलते हैं, उस बॉर्डर के यह 100 मीटर की एरिया में ही बनाया जा रहा है, जबकि इंटरनेशनल जो भी नियम है रूल रेगुलेशन वो इस तरीके से हैं कि भाई जो भी दो देशों की बाउंड्री होती है उस बाउंड्री के 150 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन है वो नहीं किया जा सकता। तो इससे नुकसान ही हो जाएगा, भाई ये डैम बन जाएगा 100 मीटर के दायरे में, तो इससे हमारे देश का जो काफी सारा एरिया है उसके जो ट्राइबल एरिया उनको नुकसान हो जाएगा। तो यह भी न्यूज में है, तो ध्यान रखना है हमें कि ट्विंगम रिवर और जो ट्विडिंग जैन डैम है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन है वो बनाना फेस्टिवल के बारे में। तो क्वेश्चन यह है कि बनाना फेस्टिवल है वो क्या केरला में होस्ट किया गया था, केरला के केलियोर में। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इसमें मेनली जो केले की जो नई स्पीसीज हैं उनके ऊपर मेनली ओनली फोकस किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि केरला के जो केलियोर जो गांव है, केलियोर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक्चुअली आयोजित किया जा रहा है। अगला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट ये आता है कि हाँ, इसमें काफ़ी सारी सेमिनार्स भी होंगी, एग्जीबिशंस भी होंगे, इसके साथ ही मीटिंग वगैरह की जाएंगी, डिफरेंट स्टेक होल्डर रहेंगे ताकि केले की नई स्पीसीज वगैरह उन सारी चीज़ों पर रिसर्च भी हो सके और अवेयरनेस वगैरह के सारे काम होंगे। तो यह थी कुछ बेसिक न्यूज़। तो फिलहाल आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।